लोकसभा चुनाव से पहले सिंहभूम सीट का समीकरण बदल गया है। गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर ही राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। चामुमो की नज़र अब सिंहभूम सीट पर है। चामुमो कोल्हान में बड़ी ताकत है। सिंहभूम लोकसभा सीट की 6 में से 5 विधानसभा सीट पर चामुमो का कब्जा है। वहीं मात्र 1 सीट कांग्रेस के पास है। चामुमो का अब इस सीट पर दावा मजबूत होगा। चामुमो जमशेदपुर छोड़ सिंहभूम शिफ्ट कर सकता है। दूसरी तरफ सिंहभूम में कांग्रेस के पास कोई दमदार चेहरा नहीं है। कांग्रेस इस सीट पर पूरी तरह से गीता कोड़ा पर ही निर्भर थी। बता दें वर्ष 1996 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू सिंहभूम सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस गीता कोड़ा के जाने के बाद इनके नाम पर दाव चल सकती है। हालांकि वह बहुत कारगर फैक्टर नहीं होंगे। बागुन सुमरई के बेटे ने भी चुनाव लड़ने का आवेदन पार्टी को दिया है। वहीं मंत्री व चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर पार्टी का स्वाभाविक दावा बनता है। अब परिस्थिति बदली है तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि गठबंधन के तहत चामुमो इस सीट पर चुनाव लड़े।